हे यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। फिर से आपके लिए यार एक और शानदार वीडियो लेके पहुंच गए हैं। तो आज की वीडियो यार बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अपनी ग्रीन ब्यूटी ये खड़ी है भाई, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है। आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं भाई कि ये बाइक आरी से बेहतर है, और अगर बेहतर है तो भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आरी में नहीं है और इसमें है। तो टॉप 5 हम चीज़ें बताएंगे आपको जो कि भाई इस बाइक को बेहतरीन बनाती है आरी की बाइक से। तो चलो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस सबसे पहली चीज है ये देखो भाई, इसमें ना आपको कंप्लीट फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो कंप्लीट भाई एलईडी का सेटअप दिया हुआ है, जो कि भाई आरी वाले अभी हेलोजन लाइट वो यूज़ करते हैं भाई, फुल एलईडी आपको मिलने वाली है। और साथ में भाई जो इंडिकेटर है ये डीआरएल का काम भी करते हैं और भाई इंडिकेटर का काम भी करते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो होगी होगी ये, और इसकी लुक्स देखो यार आप, पूरी भाई कंप्लीट भाई रेट्रो डिज़ाइन में बाइक आती है। और इसका जो टैंक है वो भाई आपको 15 लीटर का मिलता है, आरी में आपको भाई 13 लीटर का मिलता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिट है टैंक को देख के, और काफ़ी ना मस्कुलर सी बड़ी सी लगती है बाइक। और अगर देखें दोनों बाइक को तो भाई सेम टू सेम लगती है, बट ये वाली अगर आप पर्सनली देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। इवन कि आरी वाले खुद देखते हैं यार कौन सी बाइक आ गई है इतनी बड़ी सी। और ऐसी कुछ लुक है बाइक की, देखो आप अपनी ग्रीन ब्यूटी क्या मस्त लग रही है, एकदम फुल अमेजिंग। और ये तो होगी फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ की बात मैं करता हूँ यार, इसमें आपको मिलेगा भाई 350cc का इंजन, और ये भाई होंडा का इंजन है, आपको पता ही है कितना ज़्यादा रिफाइंड है। तो जितना ये रिफाइंड है ना भाई, आपको 350 सेगमेंट में और किसी भी बाइक में इतना रिफाइंड इंजन नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई कोई भी इंजन में नोकिंग साउंड नहीं आती है, एकदम स्मूथ बटर स्मूथ परफॉर्म करता है, एकदम बटर स्मूथ इसका इंजन है। और चाहे आप SD से कंपेयर करो, RE से कंपेयर करो, बट जो इसका इंजन की स्मूथनेस है ना वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि होंडा का ऑफकोर्स यार आपको पता ही है। तो गाइज यार जो इसकी साइलेंसर की आवाज़ है ना वो भी आरी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आरी की भी बढ़िया है नो डाउट, बट इसका ना कुछ हटके है भाई, पोटैटो साउंड लाइक जैसे हार्ले में आती है ना वैसी सी है, बट हार्ले जैसी तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मतलब बहुत पोटैटो साउंड है। काफ़ी स्वीट सी साउंड है, सुनने को बहुत बढ़िया, अच्छा खासा थंप है उसमें। चलते हैं आपको वो सुनाता हूँ यार, ये सुनो भाई आइडल पे ऐसी है। अभी थोड़ा रब करके देखते हैं, थोड़ी रेस दियो भाई। तो गाइस देखा कितना ज़्यादा थंपी है। तो चलते चलते अब बताता हूँ इसकी और भी क्या क्या इसमें है जो आरी में नहीं है। सो भैया स्टे ट्यून्ड, चैनल पे बने रहे। सो भैया चलते हैं, चलते चलते बाकी कंपेयर करते हैं थोड़ा सा आरी से। तो मैंने सबसे पहले चीज़ तो आपको लुक्स की बताई थी, काफ़ी मतलब मस्कुलर सी बड़ी सी लुक है भाई। आरी की भी ठीक है, बट आरी की बाइक से ना थोड़ा अलग हटके लगती है सेम टू सेम हूबहू है, बट इसको अगर बंदा देखेगा ना पर्सनली तो बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है आरी के कंपेयर अगर हम करते हैं तो। सेकेंड चीज़ इंजन स्मूथनेस, तो इंजन इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और जो थर्ड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, थर्ड चीज़ है भाई अपना स्लीपर क्लच। इसमें भाई स्लीपर एंड असिस्ट क्लच दिया है, जो कि आप सिंगल फिंगर से भी ये देखो भाई प्रेस कर सकते हो, ये देखो। तो ये भी ना कहीं आपकी राइड को एनहांस करता है, और आरी में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ मिस है, स्लीपर क्लच आरी में नहीं है। और अगर मैं भाई फोर्थ चीज़ की बात करूँ तो वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। तो इस बाइक में ना आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, वो कहीं ना यार ये भी एक प्लस पॉइंट है सेफ्टी वाइज। वो क्या करता है, जब आप जैसे मडी एरिया है मिट्टी है तो आप एकदम एक्सेलरेट करते हो, तो जो रियर वाला व्हील होता है ना उसको ये क्या करता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ज़्यादा पावर नहीं उसमें भेजता, सेंसर लगा होता है, सो दैट आपके ना स्लिप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो सेफ्टी वाइज देखें यार आरी में ये चीज़ें हैं नहीं है, इसलिए ये भाई मॉडर्न अपनी क्लासिक रेट्रो डिज़ाइन वाली मोटरसाइकिल है होंडा की, होंडा CB 350। पहले तो यार मैं भी आरी लेने गया था, बट जब मैंने ये चलाई ना और जो मेरे को इसकी परफॉर्मेंस लगी तो मेरे को ये वाली यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी आरी की। अगर मैं कंपेयर करता हूँ, मैं भी एक आरी लवर हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है, आरी की भी बाइक ठीक है अपनी जगह अच्छी है, बट ये भाई कुछ हटके है। या स्लीपर क्लच और ट्रैक्शन कंट्रोल ये भी एक एडवांस फीचर है, और इसमें ना आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से लेके भाई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और ये देखो यहाँ पे स्विचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे,
सो सारा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। होंडा की एक ऐप है, उसके थ्रू अगर आपको कोई कॉल वगैरह आती है सो दैट आप यहाँ से पिक कर सकते हो, आपको रुकना नहीं पड़ेगा। सो जो फीचर वाइज भी अगर हम देखें ना तो आरी से ना कहीं मतलब एक स्टेप आगे ही है बाइक, और अच्छा है परफॉर्मेंस में देख लो। और जो इसका मैं बताता हूँ जो इंजन पावर प्रोड्यूस करता है ना वो 21 PS के आसपास है, और अपना आरी का भी 20 है। सो और जो इसका टॉर्क है अपना 30 Nm है, और जो आरी है आरी का भाई साहब आपको 27 Nm टॉर्क मिलता है, 3 Nm कहीं ना कहीं ये मतलब ज़्यादा है। सो और जो इसकी मैं परफॉर्मेंस की बात करना चाहूँगा तो मैं ना इसको यार मतलब अच्छे से अच्छे रास्ते में हाई अल्टीट्यूड पे स्पीति काजा भी लेके गया था, और वहाँ पे भी इस बाइक ने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी ना यार दिल खुश हो गया था। और मेरे साथ पिलियन भी था, हम ऐसे रास्तों में गए थे ना वहाँ पे, मेरे साथ एक सर थे उनकी जावा 42 थी, सो वो भी ना उसमें ब्रेक डाउन हो गया था। हम स्पीति काजा वाली राइड अगर किसी ने नहीं देखी है तो वही चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो वहाँ पे हम गए थे यार तो सर की बाइक को ना कुछ हो गया था, तो हमने वहीं पे लगा दी थी। देन फिर भाई वो पिलियन मेरे साथ आ गए थे, सो वो आपको पता ही है काजा का कैसा रास्ता है, कहीं पर ऑफ रोड और काफ़ी ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पर है। सो पिलियन के साथ और हमने सामान भी काफ़ी ज़्यादा कैरी किया हुआ था, सो उसके बावजूद भी ना मेरे को इसमें पावर की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, कहीं पर भी पावर लैग की कमी नहीं महसूस हुई। और इस बाइक ने ना एकदम बटर स्मूथ राइड दिया, और मैंने एक दिन में ना 300 किलोमीटर ये बाइक चला दी थी वापस आते हुए, सो तब भी मेरे को 300 चलाने के बाद भी कोई थकान नहीं हुई थी। सो बहुत कंफर्टेबल है, और इस बाइक में ना वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कम है, कहीं ना कहीं इसमें ना आरी से थोड़ी कम वाइब्रेशंस है, और बाकी हल्की फुल्की सी है मिरर्स वगैरह में है। सो बहुत ज़्यादा कम इसमें वाइब्रेशंस है, और काफ़ी अच्छा खासा इंजन है, टोर्की इंजन है, तो ये ना कहीं बेनिफिट है यार इस चीज़ का। तो इस वजह से भाई मैं इस बाइक के साथ गया हूँ। सो ऐसा कुछ इस बाइक का बिहेवियर है, और अभी तक तो मेरे को कोई मेजर इशू इस बाइक में आया नहीं है। मैंने सेकंड सर्विस करवा दी है और मैंने ये चला दी है अप्रोक्स 5854 किलोमीटर, तो भैया 5500 से ज़्यादा मैंने बाइक चला दी है, राइड कर चुका हूँ इसमें, मैं मनाली राइड कर चुका हूँ, कसोल कर चुका हूँ और स्पीति काजा कर चुका हूँ। अभी तक तो मेरे को कोई भी भाई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दिक्कत नहीं आई है, और देखते हैं इस साल अपन को लद्दाख भी जाना है, मतलब यही रीज़न है इसकी वजह से मैंने आरी ना लेते हुए मैं इसकी तरफ गया हूँ, होंडा CB350। सो होंडा की बाइक्स आपको पता ही है यार इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है, इस वजह से यही रीज़न था मेरा ये बाइक लेने का। बाकी मैंने आपको बताया ही है कि फीचर्स वाइज भी अगर हम देखें, सेफ्टी वाइज भी देखें, और लुक्स वाइज भी देखें, एग्जॉस्ट वाइज भी देखें, और सेफ्टी फीचर्स वाइज भी देखें, तो हर चीज़ में ना कहीं एक स्टेप आगे है आरी की बाइक से। तो यार ये था मेरा छोटा सा रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको भाई वीडियो पसंद आई होगी। और इस बाइक का ना 185 kg के आसपास वेट है, और मतलब ईजिली आप ना मैनेज कर सकते हो, और हैंडलिंग इस बाइक की मैं बोलना चाहूँगा हैंडलिंग बहुत बढ़िया है। सो आरी का भाई मेरे को, मैंने आरी की टेस्ट राइड ली थी तो मेरे को ना उसका थोड़ा हैंडल हैवी लगा था, और इसका हैंडल भाई एकदम मैं क्या ही बोलूँ यार, होंडा ने ना हर एक चीज़ में बहुत ही बढ़िया भाई काम किया हुआ है इस बाइक में ना। सो हैंडल भाई एकदम स्मूथ है और इजी टू मैन्यूर है यार, इतना है वेट होने के बावजूद भी भाई कितनी अच्छी वेट मैनेजमेंट करी हुई है ना होंडा ने, भाई काबिलियत तारीफ़ है होंडा की। सो मतलब काफ़ी पॉइंट्स है यार, वैसे तो मैंने टॉप 5 बोला था, बट काफ़ी पॉइंट्स है जिसमें ये खरी उतरती है अगर हम कंपेयर करते हैं आरी वगैरह की बाइक से। तो भाई बुलेट जा रहा है कंपेयर करते करते मिल ही गया बुलेट। सो भाई बुलेट वाले भी देखते रह जाते हैं कौन सी बाइक निकाली है होंडा ने, तो काफ़ी यार बड़ी सी लगती है अपनी बाइक अगर हम कंपेयर करते हैं ना बुलेट से। ये देखो भाई मस्त है यार बुलेट भी, बट ये कुछ हटके है भाई। और इसकी जो मैं ब्रेकिंग कहना चाहूँगा ना भाई, ब्रेकिंग की भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और ड्यूल चैनल ABS मिलता है वो तो आपको बुलेट में ही मिलता है, बट इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्लिपर क्लच वगैरह के फीचर्स के साथ ना थोड़ा सेफ्टी एनहांस हो जाती है। तो ये था यार अपना छोटा सा रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच, ऐसी वीडियो देखते रहना एंड शेयर करते रहना, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच गाइज़।